आई थिंक इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो सभी को क्लियर होगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो आपका कौन सा था? दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक था, ठीक है? वो याद रखना वो चीज़ इस टॉपिक में भी। चलो इसमें तो अप्लाई नहीं होगी, नेक्स्ट जो आएंगे एक टॉपिक रहता है एन कॉइंस वाला, एन पार्टिकल्स वाला, वहां पे अप्लाई होती है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन याद रखना। परमुटेशन आप कब अप्लाई करते हो? व्हेन यू आर गोइंग टू अरेंज समथिंग बट विद एन ऑर्डर, ठीक है ना? आप एक ऑर्डर का भी वहां पे अगर ध्यान रख रहे हो, दैट मीन्स उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर मैंने ए बी सी लिखा है, ठीक है, और उसके साथ आप ए सी बी लिख रहे हो, तो यहाँ पे दैट मीन्स आप ऑर्डर भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो चीज आएगी वो आपकी पी के अंदर आएगी, दैट इज परम्यूटेशन। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है उसका जस्ट मीनिंग होता है कंबाइन ही करना। आपने ए बी सी कंबाइन कर दिया, नो मैटर्स कि आपने इस तरह से कंबाइन किया है, बी सी ए, या कैसे कंबाइन किया है, इनकी वैल्यू एक ही काउंट होती है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आपका आता है कॉम्बिनेशन के अंदर, दैट इज कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा, ठीक है? तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लियर रखना। ज्यादा जैसे कुछ 6-8 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन तो वो है नहीं, मैक्सिमम है कि 4 मार्क्स तक आ जाएगा। 2 मार्क्स में तो वो बहुत बार आया भी हुआ है, एक्सप्लेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है? तो वो कर लेना टॉपिक। नेक्स्ट जो आज वाला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो पक्का ही क्वेश्चन है एक, इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, तो इसको अच्छे ढंग से देख लेना इसको एक बार, ठीक है? अब देखो, अब अलग अलग बुक्स के अंदर जो इनके करने का वे है वो अलग होगा, बट रिजल्ट जो आपका होगा दैट इज सेम। रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो अब देखो इसके अंदर हमने करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। मतलब दो कंपार्टमेंट है हमारे पास, मान के चलो दो कंपार्टमेंट का मतलब दो रूम्स हैं। जैसे ये दो रूम्स आ गए मेरे पास, अब इन दो रूम्स के अंदर दैट इज माई कंपार्टमेंट वन एंड दैट इज माई कंपार्टमेंट टू। अब इनके अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। वो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो सकते हैं, सॉरी 1, 2, 3 और 4। यहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अप टू 4। अब वो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5 आ गया तो आप 5 एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, दैट इज ईजी है, ठीक है? 1, 2, 3 एंड 4 यहां तक आपने करने हैं। इन चारों में से आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाएं, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? और वो ज्यादातर आपका आएगा इन तीनों में से, 1 का तो बहुत कम आएगा, 2, 3 और 4 में से आएगा, ठीक है? अब देखो जो फर्स्ट है आपके पास, अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि पार्टिकल हमने डिस्कस तो करना, मान के चलो आपके एग्जाम में आया कि 3 पार्टिकल सिस्टम है, दो कंपार्टमेंट है आपके पास, तो 3 पार्टिकल के लिए आप बताओ कि टोटल माइक्रोस्टेट कितनी बनेगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी बनेगी। तो दैट डजंट मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसके लिए वो बोला उसने वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, या वो पार्टिकल आपके नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है? दोनों के लिए करना होगा वहां पे, ये नहीं कि आप सिर्फ एक के लिए वहां पे करके आ जाए। अगर पार्टिकल आप उसने बोल दिया 2 पार्टिकल हैं, इसका मतलब डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल दोनों करोगे। अगर उसने 4 पार्टिकल बोला है दैट मीन्स ऑल्सो के डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल। बट अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि 3 पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, देन दैट मीन्स कि आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है वहां पे, ठीक है? तो अब इसमें देखो कि आपने पार्टिकल किस तरह से अरेंज करने हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब देखो और ध्यान रखना कि जो आपका कंपार्टमेंट का साइज है, रूम का साइज है, दैट इज सेम। रूम का साइज अलग अलग नहीं है, रूम जो है आपके पास वो सेम साइज का है। तो अब जो फर्स्ट शुरू हो रहा है इसके अंदर वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 पार्टिकल इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट, ठीक है? अब देखो मैंने उस दिन आई थिंक लास्ट में 2 टर्म्स करवाई थी, एक मैक्रो स्टेट होता है और एक माइक्रो स्टेट होता है, ठीक है? माइक्रो स्टेट, सबसे पहले तो मैक्रो स्टेट देखो, मैक्रो स्टेट का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्टेट का मतलब है कॉन्फिग्रेशन इन विच सिस्टम लाइज। जस्ट आपने वर्ड याद रखना है, दैट इज द कॉन्फिग्रेशन, ठीक है? दैट इज कॉन्फिग्रेशन है, तो उसको माइक्रो स्टेट बोलते हैं। अब कॉन्फिग्रेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूम के अंदर 4 बच्चे हैं, सेकंड के अंदर 2 बच्चे हैं, तो ये उसकी कॉन्फिग्रेशन है। हमेशा आप चेक करोगे तो फर्स्ट में 4 स्टूडेंट्स है और सेकंड में आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर अलग रूम में चेक करोगे उसमें एक में 3 है और दूसरे में 4 है, तो ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? द कॉन्फ़िगरेशन इन विच सिस्टम लाइज दैट इज योर माइक्रो स्टेट। और दूसरा जो माइक्रो स्टेट होता है उसका मतलब क्या होता है, माइक्रो स्टेट का मतलब होता है दैट इज योर माइक्रो स्टेट नंबर ऑफ अरेंजमेंट।
दैट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन मैक्रो स्टेट, किसी मैक्रो स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैं, दैट इज योर मैक्रो स्टेट, दैट इज योर माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, दोनों का पता हो, दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने ये चीज पहले कर रखी है, अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, मान के चलो कि मेरे पास उसने क्वेश्चन दे दिया कि दो कंपार्टमेंट हैं और दो ही आपके पास क्या है, पार्टिकल है, आप दोनों यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे पार्टिकल कोई नहीं आएगा, फिर आप जीरो यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों पार्टिकल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक पार्टिकल यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, तो कुल मिला के कितने अरेंजमेंट हो गए, 1, 2, 3 and 4, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 है, तो दैट इज योर, ये आपके पास क्या होगी, उसकी माइक्रो स्टेट हो जाएगी, ठीक है। वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से चूज करनी है। तो माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट, इन दोनों वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैक्रो स्टेट का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इन विच सिस्टम लाइज, जिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिस्टम लाई करेगा उसे हम बोलते हैं मैक्रो स्टेट, 4, 2, 5, 2, 6, 2 इस तरह से लिखा होता है, और नंबर जो होगा उसको बोलते हैं माइक्रो स्टेट, ठीक है। अब देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन पार्टिकल इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। अब हमने क्या करना है, इक्वल साइज कंपार्टमेंट है और वहां पे हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ये देखो यहाँ पे इस टेबल के अंदर ये फर्स्ट जो है यहाँ पे हमने लिखी हुई है मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट भी हमें बतानी जरूरी है, उसके बाद में माइक्रो स्टेट, और ये फ्रीक्वेंसी छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रोबेबिलिटी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने रेड बॉक्सेस के अंदर लिखी है, फ्रीक्वेंसी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो आप मैक्रो स्टेट कैसे लिखोगे, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट आप मैक्रो स्टेट कैसे लिखोगे, माइक्रो स्टेट से मैक्रो स्टेट लिखोगे, ठीक है। अब वो देखो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने पास थोड़ी स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट पेज थोड़ा सा कर रहा हूँ इसके अंदर, मान के चलो अब हमने इसकी करनी है अरेंजमेंट करनी है, तो ये कंसिडर कर लो, ये आ गया मेरे पास कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 2 है, और इन विच प्लेस यू हैव रिटन योर कंपार्टमेंट 1 and 2, दैट मीन्स कि वो आप किसके अंदर चल रहे हो, वो आपकी माइक्रो स्टेट है, जब आप अरेंजमेंट करने लगे ना तो उसका मतलब है वो माइक्रो स्टेट के अंदर चल रहा है, दैट इज नॉट योर माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास सेकेंड है। अब उसने बोला क्या है कि सिंगल पार्टिकल है, वन पार्टिकल है, अब इसको हमने क्या करना है, इस पार्टिकल को हमने डिस्टिंग्विश करना है। हाँ जी बच्चे, जस्ट 1 मिनट, हाँ जी सॉरी बच्चे, आप देखो इसके अंदर वन पार्टिकल है और आपके पास माइक्रो स्टेट कितनी है, 2 है, ठीक है ना, मतलब दो कंपार्टमेंट्स हैं 1 and 2। अब इन दोनों के अंदर हमने अरेंजमेंट करनी है, तो अब अरेंजमेंट देखो, एक ही सिंगल ही पार्टिकल है, तो यहाँ तो वो फर्स्ट के अंदर आ गया, मान लो ए पार्टिकल है आपका, सिंगल पार्टिकल है, उसका नाम क्या है, ए है, दूसरे में फिर 0 पार्टिकल आएगा, उसमें कोई नहीं आएगा। अब एक केस ये हो सकता है कि इसमें कोई पार्टिकल ना आए और इसमें एक पार्टिकल आ जाए ए। अब इसी को देख के आपने इसकी क्या लिखनी है, इसकी लिखनी है मैक्रो स्टेट। अब इसी के लिए हमने दूसरी इसके साथ आपने टेबल ड्रॉ करनी है और वो आपके पास आएगी, दैट इज योर मैक्रो स्टेट। अब वो क्या आएगी वो देखो, अब ये एक फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल है, दूसरे में 0 है, 1 0। अब इसमें क्या है, फर्स्ट में 0 है और सेकेंड में क्या है, 1 है, आ गई, इसको हम बोलते हैं मैक्रो स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरी आपके पास क्या है, माइक्रो स्टेट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि 1 0 स्टेट के अंदर बताओ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी है, 1 0 के अंदर आपने बताना है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। अब ये मेरे पास कितनी है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट पूछा या माइक्रो स्टेट पूछा तो 1 नहीं है, देखो 1 0 के अंदर एक ही ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर 1 एटम आया है, 1 पार्टिकल आया है, दूसरे के अंदर 0 है,
क्लियर है। अगर वो ये पूछे कि 0 1 के अंदर बताओ मेरे पास माइक्रोस्टेट कितनी है, तो वो भी आपके पास क्या होगी, 1 होगी। ऐसी एक ही अरेंजमेंट है जिसके अंदर पहले कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल है और सेकंड में मेरे पास क्या है, 1 है। उसके बाद में थर्ड आपने ड्रॉ करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल केस कितने बन रहे हैं, टोटल 2 केस बन रहे हैं ना, टोटल आपके पास केस कितने हैं, 2 हैं। उसमें से A0 कितने केस हैं, ओनली 1 है। अब टोटल केस कितने बन रहे हैं, 2। उसमें से 0 ए वाले केस कितने हैं, जिसमें पहले में 0 आया और दूसरे में 1 आया, एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हाफ एंड हाफ। और वो हमें वैसे भी पता है, अगर 2 ही केस बन रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ ही होगी। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब आएगा 2 पार्टिकल के लिए। अब 2 पार्टिकल्स हैं मेरे पास, अब 2 पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी। आपका केस फर्स्ट बनेगा अगर मेरे पास जो पार्टिकल है वो क्या है मेरे पास, दैट इज आपके पार्टिकल है डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल है। पार्टिकल्स आर, यहाँ अनलाइक पार्टिकल लिखा होगा, अनलाइक पार्टिकल है तो, अनलाइक पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल है, अनलाइक दोनों अलग अलग मान के चलो, 1 इज ए एंड सेकेंड 1 इज बी, 2 पार्टिकल्स हैं, एक ए है और दूसरा मेरे पास बी है। एंड अगेन 2 ही कंपार्टमेंट है, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 कंपार्टमेंट है। अब ये इसके अंदर मान के चलो ये कंपार्टमेंट फर्स्ट है, ये कंपार्टमेंट सेकेंड है, और जहाँ पे आप कंपार्टमेंट लिखते हो उसके ऊपर आपकी माइक्रो स्टेट आएगी, दैट इज माइक्रो स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो, अब यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हो कि मान के चलो आपके पास जो आपका फर्स्ट है उसके अंदर दोनों ही आ गए, ए और बी दोनों ही पहले कंपार्टमेंट में आ गए, दूसरे में कोई आया ही नहीं। फिर ये हो गया कि पहले में कोई नहीं आया और दूसरे में दोनों आ गए ए एंड बी, एक केस ये भी हो सकता है। आफ्टर दैट एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट में ए आ जाए और सेकंड रूम में आपका बी आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट रूम में बी आ जाए और सेकंड में आपके पास क्या आ जाए, ए आ जाए। इसके अलावा आपको कोई लगता है यहाँ पे कि देर मे बी अनदर अरेंजमेंट ऑफ दीज 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई अनदर अरेंजमेंट हो सकती है? आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ पे अलग अरेंजमेंट होगी, ठीक है, इतने ऑप्शन बनते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद में अगर आपने ये चीज चेक करनी है कि नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कितनी बनेगी, मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट, दैट इज मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी बनेंगी, उसका फॉर्मूला होता है N+1। माइक्रो स्टेट है बच्चे, MAC, मैक्रो की बात कर रहा हूँ, माइक्रो स्टेट, तो उसका फॉर्मूला होता है N+1। N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2 हैं, और 2+1, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास मैक्रो स्टेट बनेंगी ना, मैक्रो स्टेट MACR, मैक्रो स्टेट कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। अब वो देखो मैक्रो स्टेट 3 बन रही है या नहीं बन रही। अब यहाँ पे मैं इसके साथ दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा जो आपके पास आएगा यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखनी है मैक्रो स्टेट है ये अपनी पास, दैट इज द मैक्रो स्टेट। अब देखो ये मैक्रो स्टेट कितनी आएगी यहाँ पे, अब अगर इसको लिखोगे तो ये मैक्रो स्टेट कौन सी है, 2 0 वाली है ना, ठीक है। अब ये अगर इसको लिखोगे 0 AB को, तो ये कौन सी है, पहले में 0 आए हैं, दूसरे में कितने आए हैं, 2 आए हैं, 0 2 होगी। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, दोनों में फर्स्ट में 1 है, सेकंड में भी 1 है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 1 है। अब इसमें से टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट काउंट करो कितनी है, ये 2 0 ऐसी और कोई है नहीं, 0 2 ऐसी भी कोई नहीं है, उसके बाद में 1 1 है और ये 1 1, दोनों सेम ही है ना, दोनों में डिफरेंस तो है ही नहीं, दोनों में 1 1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास मैक्रो स्टेट कितनी आई है यहाँ पे, 2+1 आपके पास कितनी बन रही है, दैट इज 3 बन रही है। जो अलग अलग है आपने वो काउंट करनी है, ऐसा नहीं है टोटल तो चलो 4 बन रही है यहाँ पे, टोटल तो फिर सेम ही बनेंगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखना है कि टोटल जो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कैसे आ रही है, जो अलग अलग है, ठीक है ना, अनलाइक है, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम ही मैक्रो स्टेट है तो उसके अंदर डिफरेंस ही कोई नहीं ना, मैक्रो स्टेट तो आपके पास जस्ट कॉन्फिगरेशन होती है। अगर आप ये बोल रहे हो कि इस रूम के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड में भी 5 बैठे हैं, तो दैट डजंट मैटर कि कौन से 5 बैठे हैं, आपसे बस यही पूछा है कि इसकी 5 5 कहाँ पे बैठे हैं, फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 5 है, बस यहाँ पे क्वेश्चन एंड है। लेकिन अगर वो माइक्रो स्टेट पूछेगा तो ये पूछा जाएगा कौन से 5 किस रूम में बैठे हैं, ठीक है। तो जब आप माइक्रो स्टेट काउंट करोगे तो 2 सेम जो है वो वहां पे काउंट नहीं होती, उनमें से एक ही काउंट करनी है। तो ये चीज क्लियर है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे निकलेगा, N+1 से निकलेगा। अब देखो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे निकलेगा,
अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का जो आपका फॉर्मूला होगा वो है आपके पास, अगर एन आपके पास क्या है, पार्टिकल है, अगर एन आपके पास पार्टिकल्स हैं और के आपके पास क्या है, मान के चलो रूम्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपके पास जो माइक्रोस्टेट आएंगी ना, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ये लिख लेना बच्चे, आगे पीछे कहीं नहीं लिखा होगा, नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट्स आएंगी वो मेरे पास कितनी आएंगी, दैट इज इक्वल टू के रेज टू एन, जितने कंपार्टमेंट हैं उनकी पावर एन कर दो। अब यहाँ पे अपने पास रूम कितने हैं, दो रूम हैं, और पार्टिकल कितने हैं, दो ही हैं, तो कुल मिला के टू रेज टू टू फोर माइक्रोस्टेट आएंगे ना, काउंट करो 1 2 3 4, दैट मीन्स आपने जो अरेंजमेंट की है सही है। हमेशा आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसको ये दोनों वे से चेक करना है कि ये दोनों आपके पास कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगर ऐसा है दैट मीन्स आपने कोई अरेंजमेंट छोड़ नहीं रखी वहां पे, आपने सभी अरेंजमेंट को कंसीडर कर रखा है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे थर्ड बचेगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखो अब टोटल केस कितने बन रहे हैं, फोर केस बन रहे हैं, ठीक है, अब फोर केस बन रहे हैं। अब अगर हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2-0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल केस कितने अपने पास, टोटल केस जो है वो देख लो आपके पास 1/4 केस बन रहे हैं, टोटल टोटल 4 केस है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4 डिवाइड बाय क्या आ गया, 1 आ गया, इज इट क्लियर। यहाँ पे इसकी निकालोगे टोटल केस 4 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आगी, 1/4, ये चीज क्लियर है। अब ये दो बचे हैं हमारे पास, ये दोनों। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो पूछे कि माइक्रोस्टेट है आपके पास, माइक्रोस्टेट 1-1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, अब ये 1-1 कितनी टाइम्स आया है, ये आया आपके पास 2 times, टोटल केस आपके पास बने कितने हैं, केस भी काउंट करने हैं, 1 2 3 4, टोटल केस कितने हैं, 4 है, ठीक है, तो 2/4 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया, 1/2, तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, मैं प्रोबेबिलिटी दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ एक बार, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकती है किसी बच्चे को, वो देखो एक बार ये प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन जो है वो किस टाइप से करोगे। अब इसमें देखो ये मेरे पास आपने जो टोटल केस है ना, केस तो टोटल हमेशा काउंट करने हैं, दैट डजंट मैटर के वो दो रिपीट हो रहे हैं, 1-1 वाले 2 आ गए या नहीं आ गए, टोटल केस देखो कितने, टोटल केस कितने हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल केस आपके पास 4 है, उनमें से सिंगल टाइम है जब आपके पास क्या आया है, 2-0 आया, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब सेकंड केस है उसके लिए भी टोटल 4 है और उनमें से एक ही केस आपके पास है जब आपके पास क्या आया है, दैट इज 0-2 आया। उसके बाद में थर्ड के लिए आपके पास टोटल केस तो स्टिल 4 है, लेकिन जो 1-1 कितने टाइम्स आया, 1-1 वाली वो 2 times आई है, तो इसको कट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 1/2, तो ये आपके पास होगा 2-particle system के लिए, जब आपके पास दोनों पार्टिकल कैसे हैं, अनलाइक हैं, दोनों अलग अलग हैं, आप देख सकते हो कि ये ए है ये बी है, आप दोनों के डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये चीज क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास आएगा, अगर मेरे पास दो ही पार्टिकल हों, 2 particles हैं, स्टिल क्वेश्चन वही है, अगर मेरे पास 2 particles हैं और वो पार्टिकल्स क्या हैं, दोनों पार्टिकल मेरे पास लाइक पार्टिकल हैं, दैट मीन्स कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 particles, दोनों लाइक का मतलब है फर्स्ट ए है और दूसरा भी क्या है, ए है, आप दोनों को देख के नहीं बता सकते कि फर्स्ट वाला ए कौन सा है और सेकेंड वाला ए कौन सा है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, दैट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, दैट इज नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो फिर अगेन दोबारा वही केस है, यहाँ पे दैट इज कंपार्टमेंट फर्स्ट आ गया, ये कंपार्टमेंट सेकंड आ गया, तो कंपार्टमेंट के ऊपर क्या लिखते हो, माइक्रोस्टेट लिखते हो, दैट इज योर माइक्रोस्टेट आ गया। उसके बाद में देखो, अब इसमें क्या हो सकता है कि फर्स्ट के अंदर हो सकता है आपके पास, मेरे पास क्या केस आ जाए, दोनों पार्टिकल फर्स्ट में आ जाए, चलो ठीक है, ए ए, और यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया, फिर हो सकता है इसमें 0 आ जाए और दोनों पार्टिकल आपके इसमें आ जाएं, फिर ये भी केस हो सकता है कि एक पार्टिकल यहाँ आ जाए और एक पार्टिकल आपका यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ना ऐसा। अब इससे अलावा कोई केस नहीं बनेगा, अगर आप ये बोलो कि ये ए उठ के इस साइड आ सकता है और ये ए इस साइड आ सकता है, चलो लिख देते हैं, पर दोनों में डिफरेंस तो कोई नहीं है ना, आप कैसे बताओगे कि ये ए वो वाला ए नहीं है, फर्स्ट ए है ये सेकेंड ए है, ठीक है ना, दीज आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, लाइक है, तो आप नहीं बता सकते कि ये मेरे पास कौन सा होगा, क्लियर है, तो ये केस नहीं बनेगा इसके अंदर, यही अपने पास 3 cases बनेंगे, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस है। अब देखो इसके अंदर ये जो आपके पास केस बने हैं यहाँ पे 0 है, अब ये चलो हमने माइक्रोस्टेट फाइंड कर ली, अब इनकी माइक्रोस्टेट लिखनी है, तो माइक्रोस्टेट फिर अगेन हम वैसे लिखते हैं, दैट इज योर माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट कैसे लिखोगे,
यहाँ पे लिखनी है, तो ये फर्स्ट इसकी माइक्रोस्टेट क्या आ गई, फर्स्ट में टू है, सेकंड में जीरो है, सेम है, फिर एक में जीरो है, सेकंड में टू है, उसके बाद में एक में वन है, सेकंड में भी क्या है, वन है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट देखो कितनी बनी है, तीन ही बनी है ना। हाँ तीन से ऊपर केस आ सकते हैं, लेकिन वो आपके पास अलग अलग जो केस होंगे वो तीन ही होंगे, दो पार्टिकल थे। फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन टू पार्टिकल्स हैं, टू प्लस वन टोटल आंसर क्या आ गया, थ्री है। तो देख लो माइक्रोस्टेट कितनी है, टोटल थ्री है मेरे पास, वन टू थ्री, क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी, टोटल देखो यहाँ पे जो मेरे पास टोटल आया है, टोटल कितने पार्टिकल हैं आपके पास, थ्री हैं, तो ये आपके पास अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल थ्री है, उसमें से टू जीरो वाले केस कितने हैं, वन ही है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्री है, जीरो टू वाले केस कितने हैं, वन है। आफ्टर दैट ए और ए ऑफ वन वन वाले केस कितने हैं, टोटल केस थ्री है, वन वन वाले केस भी क्या है, वन ही है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री एंड वन बाय थ्री। इज इट क्लियर और नॉट, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर जो थ्री पार्टिकल्स वाला है फिर वो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी क्लियर है सभी को। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब हमने वन पार्टिकल कर लिया, टू पार्टिकल कर लिया, अब मेरे पास जो केस आएगा वो आपका केस आएगा थ्री पार्टिकल। अब मैं यहाँ पे करूंगा थ्री पार्टिकल वाला केस, आपको नोट्स दे रखे हैं उसमें से देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब थ्री पार्टिकल्स हैं तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, अगर वो अनलाइक पार्टिकल्स हैं दैट मीन्स कि वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है ना। अगर वो मेरे पास पार्टिकल क्या है, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है ना। अगर वो आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उसको क्या बोलते हो, अनलाइक पार्टिकल। तो डिस्टिंग्विशेबल है मतलब अलग अलग है, तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, तीन पार्टिकल्स हैं। अब तीन पार्टिकल्स हैं बट कंपार्टमेंट तो दो ही हैं, क्वेश्चन आपका यही एग्जाम में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूट थ्री पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है ना। तो कंपार्टमेंट तो मेरे पास स्टिल सेम ही है, दो कंपार्टमेंट रहेंगे मेरे पास। देखो यहाँ पे यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये आपका आ गया फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये आपके पास आ गया सेकंड कंपार्टमेंट। अब देखो कौन कौन से केस बन सकते हैं, पहला केस ये हो सकता है कि तीनों इसी में आ जाएं, ए बी एंड सी इसमें कोई ना आए, जीरो। उसके बाद में दूसरा केस ये हो सकता है कि इसमें जीरो आए और तीनों इसी में आ जाएं, ए बी एंड सी। आफ्टर दैट ये हो सकता है कि इसमें ए और बी इसमें आ जाएं, सी इसमें आ जाए, ये चीज हो सकती है, ए और बी इसमें आ गए सी इसमें आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि ए और सी यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे आ जाए। फिर एक केस ये भी हो सकता है कि बी एंड सी यहाँ पे आ जाए और आपका ए यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ना, ये यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं। अब उसके बाद में ये भी केस हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि सी इस साइड आए और ए बी इस साइड आ जाए। जो ये तीन लिखे हैं तीनों को रिवर्स करके लिख दो। ये भी हो सकता है आपके पास कि बी इस साइड आए और ए सी इस साइड आए। ये भी हो सकता है कि ए इस साइड आए और बी सी इस साइड आए। अब इसमें किसी बच्चे ने ये नहीं सोचना कि ए बी लिखा है तो आप बी ए भी लिख सकते हो, नो, दैट मीन्स कि वो चीज सेम ही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना कि परमुटेशन। जब आपने अरेंजमेंट करनी है ना तब आपने अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर करनी है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल केस बन गए। अब देखो टोटल केस काउंट करो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो ये माइक्रोस्टेट है और माइक्रोस्टेट कितनी आई मेरे पास, माइक्रोस्टेट आ गई मेरे पास टोटल एट माइक्रोस्टेट बनी है। अभी फॉर्मूला मैंने करवाया था के रेज टू एन, के का मतलब होता है कंपार्टमेंट कितने हैं, दो कंपार्टमेंट है, पार्टिकल तीन है, तो टोटल केस कितने बनेंगे, एट बनेंगे, हो गया क्लियर। इसलिए हमारे टोटल केस देख लो, काउंट कर लो, ये माइक्रोस्टेट, मैक्रो नहीं बोल रहा, माइक्रोस्टेट एट केस आए हैं। अब नेक्स्ट देखो, जब भी मैंने बोला था अगर माइक्रोस्टेट काउंट करनी है तो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास माइक्रोस्टेट है वो आपके पास होती है एन प्लस वन। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, थ्री हैं, तो माइक्रोस्टेट कितनी आएंगी, थ्री प्लस वन फोर। तो यहाँ पे चार केसेस बनने चाहिए। अब फोर केसेस देखो, ये फर्स्ट जो है आपके पास, चलो मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आएगा दैट इज माइक्रोस्टेट। अब इन चारों में से केस देख लो, ये जो आपका फर्स्ट है इसकी कंडीशन देखो, फर्स्ट में तीन आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं जीरो,
ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट में जीरो आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं थ्री, ये भी हो गया सेकंड का हो गया, ये वाला लाइन टू लाइन इसका है, ये इसका है। उसके बाद में ये जो तीनों केस हैं, अब इसमें देखो फर्स्ट में टू आ रहे हैं और लास्ट में कितने आ रहे हैं, वन आ रहे हैं, इन तीनों के लिए मैक्रो स्टेट तो सेम ही है ना, अलग अलग तो है नहीं। उसके बाद में एक में वन आ रहे हैं, दूसरे में क्या आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, ये तीनों के लिए ये केस है। तो टोटल मैक्रो स्टेट काउंट करो, ये फर्स्ट है आपके पास, मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। टोटल आंसर क्या आया था यहाँ से, एन प्लस वन क्या आया था, दैट इज ऑल्सो फोर। तो ये चीजें हमेशा अप्लाई करके देख लो कि आपने जो टोटल अरेंजमेंट्स कर रखी हैं वो उस इन दोनों फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, एन प्लस वन वाला और के रेज टू एन वाला, दोनों को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर तो फॉलो कर रही है, दैट मीन्स योर अरेंजमेंट्स आर एक्यूरेट और आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सेम आएगी, सही आएगी। ठीक है, अब रहेगी लास्ट बची है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे, अब अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो टोटल केस कितने बने हैं। अब टोटल केस तो क्लियर होगा सभी को, टोटल केस तो बने हैं मेरे पास एट केस बने हैं। टोटल टोटल केस कितने, एट हैं। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एट तो टोटल केस हैं। अब ऐसे केस कितने हैं जिनमें से थ्री जीरो आ रहा है, जिसकी मैक्रो स्टेट थ्री जीरो, वन नहीं है, बस वन बाय एट आ गया। फिर अगेन इसकी निकालनी है तो डिवाइड बाय क्या आएगा, एट आएगा। और टोटल केस कितने हैं, जीरो थ्री वाले, वन नहीं है, वन बाय एट आ गया। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल केस कितने हैं, एट हैं। पर ऐसे केस कितने हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन टू वन है, टोटल केस कितने हैं, वन टू थ्री। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, थ्री बाय एट। अब वन टू वाले सेम, टोटल एट हैं, उनमें से थ्री ये हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये थ्री पार्टिकल सिस्टम हो गया। अगर आपके पास पार्टिकल्स क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्री पार्टिकल वाला। क्लियर है किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, बस इसमें टेबल ही बस इंपॉर्टेंट है बच्चे, थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेन कर दो कि माइक्रोस्टेट कितनी आएंगी, वो मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। माइक्रोस्टेट एक्सप्लेन कर दो कितनी आएगी, वो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। क्लियर है सभी को। अब ये थ्री पार्टिकल सिस्टम हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा, थ्री पार्टिकल अगर मेरे पास क्या हो जाए, अगर वो थ्री पार्टिकल मेरे पास हो जाए अनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए, मतलब आप उनको पहचान ना सको कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, देन व्हाट वी विल डू, उस केस में आप क्या करोगे। अब देखो दोबारा कर रहे हैं यहाँ पे, सिचुएशन क्या है, थ्री पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है, थ्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन पार्टिकल्स हैं कैसे। अब पार्टिकल आगे लाइक पार्टिकल, लाइक है तो इसका मतलब फर्स्ट भी ए है, सेकेंड भी ए है, और थर्ड भी मेरे पास क्या है, ए है। तो अब इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये मेरे पास सेकंड कंपार्टमेंट है, आप देखो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। अब कंपार्टमेंट के ऊपर क्या लिखते हो, माइक्रो स्टेट लिखते हो, तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर माइक्रो स्टेट है, ठीक है। अब फर्स्ट है, हो सकता है तीनों एक में आ जाएं, ए ए ए, और सेकंड में आए जीरो। उसके बाद में ये भी केस हो सकता है कि फर्स्ट में जीरो आए और थर्ड में तीनों ही आ जाए। अच्छा, फिर ये भी केस हो सकता है कि दो ए इस साइड आ जाए और एक पार्टिकल आपका इस साइड आ जाए। उसके बाद में एक केस ये भी हो सकता है कि एक ए इस साइड आ जाए और दो ए इस साइड आ जाए। अब इसके अलावा अगर आप सोचो कि यहाँ पे कोई केस बन सकता है, देन दैट इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे क्यों नहीं कोई केस आया, उसके पीछे का रीजन आपके पास ये रहा, क्योंकि ये जो दो ए और ए दोनों इकट्ठे आए हैं ना, ये वाले ए और ए दोनों इकट्ठे आए हैं। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये फर्स्ट ए पहले बार ए ए आ गया, उसके बाद में आपने इस ए को उठा के आगे लिख दिया, ये ए और ए, क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दीज आर लाइक पार्टिकल्स हैं। तो ए ए का मतलब ए ए ही है, आपको नहीं पता कि ये फर्स्ट ए कौन सा है और सेकंड ए कौन सा है, ठीक है। दीज आर लाइक दो ट्विन ब्रदर्स हैं, दोनों की शक्ल सेम है, आपको नहीं पता राम कौन है श्याम कौन है, ठीक है। तो ये वो वाला केस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो इसके अंदर मेरे पास कि अब नंबर ऑफ जो मैक्रो स्टेट है, अब वो कैसे निकालोगे। अब देखो दैट इज मैक्रो स्टेट जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज अ मैक्रो स्टेट। अब जो मैक्रो स्टेट आएगी वो क्लियर है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में थ्री आए हैं, सेकंड में जीरो आए हैं, हो गया। इसमें फर्स्ट में जीरो आए हैं, सेकंड में थ्री आए हैं, ये भी डन है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट में टू आए हैं, सेकंड में वन आए हैं, इसमें फर्स्ट में वन आए और सेकंड में क्या आए हैं, टू आए हैं, ये आ गया। अब टोटल कितने बनी है, चार ही बनी है ना, अभी फॉर्मूला लिखा था एन प्लस वन तीन पार्टिकल है, थ्री प्लस वन टोटल फोर बननी है, तो फोर ही बनेगी, चाहे वो आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल केस हो, चाहे वो केस आपका क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं।
इज इट क्लियर? अब रहेगी प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी। अब फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या, पहले तो टोटल नंबर ऑफ केस देख लो, टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेगी। अच्छा यहाँ पे ना अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो कि नंबर ऑफ जो मेरे पास माइक्रो स्टेट कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है ना वो फॉर्मूला आपका ओनली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर पार्टिकल नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो गए ना तब वो फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। जो अभी मैंने करवाया था के रेज टू एन वाला, वो सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल पे एप्लीकेबल है, दैट इज नॉट फॉर नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, टोटल केस कितने बने हैं, फोर बने हैं। अब फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 3-0 वाले केस कितने हैं, वन ही है। उसके बाद में टोटल केस बने हैं फोर, और 0-3 वाले कितने हैं, वन ही है। उसके बाद में ये मेरे पास टोटल केस बने हैं फोर, और 2-1 वाले केस कितने हैं, वन है। उसके बाद में टोटल केस फोर है, और 1-2 वाले केस कितने हैं, वन ही है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो। चलो क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखो, अब एक जो है फोर पार्टिकल सिस्टम है वो मैं नहीं करवा रहा, वो आपने खुद करना है। थ्री वाला मैंने करवा दिया, अब ये रहा फोर पार्टिकल सिस्टम। जो मेरे पास फोर पार्टिकल सिस्टम है उस केस में मेरे पास टोटल केस कौन कौन से बनेंगे, ये आपके ऊपर है, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, बस इसके अंदर जो ये लास्ट वाला केस है इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, वो प्रोबेबिलिटी आपको पता है। टोटल केस देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 केस बन रहे हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ठीक है, ये चीज चेक कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। तो ये फोर पार्टिकल सिस्टम है वो आपने खुद करना है, और बाकी मैंने तीन करवा दिए। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है, और थ्री पार्टिकल वाला ज्यादातर आया हुआ है, और वो अच्छे ढंग से कर लेना। अब नेक्स्ट देखो, और ये भी इंपॉर्टेंट है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट एंड बीटा पैरामीटर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। अब पहले तो हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर की थी, उसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को वहां पे हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अब उनमें से हमारे पास इस यहाँ पे जो स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम निकालना है बिटवीन टू सिस्टम, और वो इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब तो आपको सभी को पता है कि व्हेन टू सिस्टम्स आर लाइक, कह सकते हो आप, अगर दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो गए, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब थर्मल की बात हो रही है, दैट मीन्स अगर उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, देन वी विल से दैट दीज टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है हमने, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर दो सिस्टम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने वहां पे करवाया था, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होगी, तभी तो दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहां पे हमने किया था प्रीवियस सेम के अंदर, कि जैसे मेरे पास ये दो बॉक्सेस हैं, कंसीडर कर लो, ये फर्स्ट बॉक्स आ गया ए है, ये बॉक्स आपके पास सेकंड आ गया बी बॉक्स है। अब एक का टेम्परेचर मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक का टेम्परेचर आपके पास है मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में है, थर्मल कंटेक्ट में है, तो ये अपना टेम्परेचर लूज करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और ये कंडीशन किसमें चेंज हो जाएगी, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये ए है ये बी है, इन दोनों का टेम्परेचर, इसका भी 50 हो जाएगा, इसका भी 50 हो जाएगा, देन वी विल से दैट दीज टू सिस्टम और दीज टू बॉक्सेस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेम है। तो अब देखो यहाँ पे हमने दो सिस्टम कंसिडर कर लिए, ए एंड बी, ये ए सिस्टम आ गया और ये आपका बी सिस्टम है। इन दोनों की एनर्जी, ए सिस्टम की एनर्जी, ये फर्स्ट सिस्टम है, ये आपका सेकंड सिस्टम है, तो फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी E1 होगी, सेकंड सिस्टम की एनर्जी E2 होगी। क्लियर है, और टोटल एनर्जी अगर सारे सिस्टम की निकालनी, ये सारे बॉक्स की निकालनी है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, E1 प्लस में E2, ये लिखी यहाँ पे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है,
तो इस टाइप के सिस्टम को हमने स्टडी करना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, दो सिस्टम दे रखे हैं और वो दो सिस्टम कंबाइन करके एक टोटल सिस्टम भी क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि दो, अगर जैसे अभी हमने जो केस किया है कि दो कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉलेज है उसके अंदर 10 रूम है, तो 10 रूम मिलके ही तो कॉलेज क्रिएट कर रहे हैं ना, कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, तो उस रूम का भी एक टोटल सिस्टम होगा। वैसे ही सेम अगर दो छोटे छोटे सिस्टम है, 1 और 2, वो दोनों ज्वाइन करके भी एक टोटल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या है मेरे पास, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर है, दो सिस्टम है, फर्स्ट वन इज ए और बी, एक को 1 नंबर दे लो, दूसरे को 2nd नंबरिंग दे लो, आफ्टर दैट दोनों की एनर्जी, फर्स्ट वन की E1 है, सेकंड की मेरे पास एनर्जी क्या है, E2 है। आफ्टर दैट हमने इसके अंदर क्या करना है, टोटल इसको सोलो करके हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो आई थिंक आपको बीटा शायद याद हो, आपने BSc फर्स्ट में किया था, बीटा की वैल्यू 1/KT आती है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था ये वाला, आपके सेकंड सेम के अंदर था, बीटा इज इक्वल टू 1/KT, बीटा पैरामीटर जो जो था, ठीक है, तो वही पैरामीटर हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो बाकी सारा डेरिवेशन जो है वो हम कल करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमने ये 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल सिस्टम किया है ये अच्छे ढंग से कर लेना, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, थैंक यू बच्चे। बाकी जो है फिर वो नेक्स्ट करेंगे, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, 1 मिनट बचा, चलो ठीक है बच्चे।